एचएल टीवी न्यूज। नरवाना क्षेत्र के गांव हमीरगढ़ का लड़का प्रतीक श्योराण एनडीए की परीक्षा पास कर सेना में लेफ्टिनेंट बना। प्रतीक का उसके पैतृक गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत व गांव के लोगों द्वारा फूलमालाओं से प्रतीक का स्वागत किया गया। गांव में पहुंचने से पहले नरवाना शहर की संस्थाओं द्वारा भी उसका स्वागत किया गया था। प्रतीक ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व परिवार के सभी सदस्यों को दिया है। उन्होंने कहा कि जो मन में ठान लो तो वो होकर ही रहेगा। वहीं इस उपलब्धि पर प्रतीक की माँ बहुत खुश दिखाई दी। प्रतीक की माता कमलेश देवी ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतीक के अंदर ये जुनून था कि देश की सेवा करनी है। हमें उम्मीद है कि मेरा बेटा सेना में जाने के बाद देश की सेवा करेगा। मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे को और मेरे परिवार को अच्छा महसूस हो रहा है। इसके अंदर यही जुनून था कि मेरे को देश की सेवा करनी है। इसके इसमें बड़े बूढ़ों का भी साथ है, इसके दादा दादी इसका सभी परिवार इसके साथ में दुआ थी। मेरा बेटा ऐसे ही देश की सेवा में करता रहे। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को उम्मीद थी कि मैं ये कर लूँगा, तो मैं बहुत खुश हूँ और सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए तैयारी मैंने सितंबर में एक एग्ज़ाम दिया था, मुझे लग रहा था कि वो हो जाएगा, तो जान में जब उसका रिजल्ट आया तो सर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ इसमें मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की, 15 दिन की कोचिंग ली थी और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो SSB में रिकमेंड। मेरा भतीजा अधिकारी बन गया और हमें बहुत खुशी है, पूरे परिवार को खुशी है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा देश की सेवा करे और नाम रोशन करे। नरवाना से हलचल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।